हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज के नए ब्लॉग की हमारी शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। तो हम निकल चुके हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, और जम्मू में घुसते ही सबसे पहला जो पुल पड़ता है वो ये पड़ता है अटल सेतु। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे यहीं से। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। न्यूज़ चैनल पर देखा था। तो गाइज़, ये हम आ चुके हैं अटल सेतु पे, और ये है हमारा अटल सेतु। देखिए चारों तरफ से कितना फोग हुआ है। ये देखो सवाल अटल सेतु पे खड़ा है, और यहाँ देखो पानी पानी है। ये प्रिंस इधर खड़ा हो गया। गाइज पानी के नज़ारे देखिए, कितना मस्त, एकदम पूरा समुंदर समुंदर, और ये पहाड़ों के बीच में, और कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। ये है अटल सेतु, मजा आ रहा है इस जगह पे। बहुत ही ज्यादा फैंटेस्टिक जगह है गाइस, बहुत प्यारी जगह है। ये फोटो शूट चल रहा है इनका। तो गाइस इस सेतु की एक बहुत अच्छी खास बात है कि जब यहाँ से कोई कार निकल के जाती है तो ये पूरा पुल हिलता है, जैसे कोई रेजोनेंस बन रहा हो। जैसे ये अभी कार निकल के गई है तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये पुल हिल रहा है, पूरा पुल हिल रहा है। तो इसमें शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं, शॉकर, तो उससे जब वो पुल पे कोई गाड़ी निकलती है तो ये एब्जॉर्ब करती है। और हवा बहुत तेज़ है, शायद मेरी आवाज़ आपको अच्छे से ना सुनाई दे रही हो। तो ये मेरे पीछे प्रिंस खड़ा है, और इधर भी पानी और उधर भी पानी, चारों तरफ पानी पानी है। पानी के फुल मज़े ले रहा है। ये मिनी गोवा के नाम से फेमस है ना, ये जगह मिनी गोवा के नाम से फेमस है। ये तो गाइज ये था हमारा अटल सेतु, और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं गोवा बीच की तरफ, जो मिनी गोवा बीच के नाम से फेमस है जम्मू कश्मीर में। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं मिनी गोवा के नाम से, जो चीज़ फेमस है जम्मू कश्मीर में। तो उस टाइम पर हम हैं जम्मू कश्मीर में, है ना, जे एंड के लग जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे भैया, और ये प्रिंस और शहबाज। तो अब गाइस चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन है। ये पूरा समुंदर बना हुआ है, आर्टिफिशियल समुंदर है, मगर बहुत ही इसमें पानी है। हैं, यहाँ पे बारिश आ गई है, है प्रिंस? हाँ, बारिश का मौसम हो गया है और बारिश आ रही है। मिनी गोवा आ चुके हैं, और यहाँ पे बोटिंग होती है, बोटिंग करेंगे, मोटर बोट करेंगे, है ना। तो ये देखो लाइफ जैकेट कितनी रखी हुई है, और यहाँ गर्मी बहुत है, मगर ये व्यू बहुत शानदार व्यू। यहाँ से बोटिंग का रास्ता, अभी बोटिंग करेंगे। तो गाइस अब यहाँ व्यू पॉइंट इधर देखो, और वाली बोटिंग से हम बोटिंग करेंगे, वो जो जा रही है उससे करेंगे। एडवेंचर करना ज़रूरी है, मस्त मज़ा आ रहा है गाइस। पीछे का मौसम देखो, और यहाँ का इनका मेन्यू, इधर वाला प्री वेडिंग शूट वाला है, और ये वाला फ्री फंड माने वाला। तो स्पीड बोट 450 रुपये, नो चिल्ड्रन डिस्काउंट, बाकी मोटर बोट वाला है, चिल्ड्रन वाला है, हैं, और हमने करा लिया है ये वाला 350। तो गाइस फाइनली हमने लाइफ जैकेट पहन लिए, जिसको पहनने के बाद में मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं बोलने वाला हूं। खुदा ना खास्ते हम अगर हम डूबते भी हैं तो ये लाइफ जैकेट हमें 17 घंटे तक पूरे तरीके से बचा के रखेगी, तब तक हमें कोई रेस्क्यू टीम ले सकती है। हाँ, इतने डूबने से बचाई लेगा, तो ये डूबने से बचाई लेगा इतने हम। गाइस बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, ये दोनों पूरे तरीके से तैयार हैं, और ये मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सामने किसी ने आग की भट्टी में डाल दिया। और इस जगह पे गाइस गर्मी बहुत है, ये है सामने गर्दन ही लग रहा है सामने, ये है। तो मैं आज लग है दर आ गए, जैसे कितना बेच दिया है ये फुल भाई। मैं तो मुझे तो लग रहा है कि बस कपड़े उतारूं और कूद जाऊं डायरेक्ट, ऐसी मैं तो स्विमिंग करूंगा आज, मजा है।
धीरे धीरे हम जा रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरफ। अब हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है यहाँ पे, ये देखो गाइस समुद्र। तो ये देखो हमने शॉर्टकट यहाँ से ले लिया। तो गाइस यहाँ पे शॉर्टकट ले लिया है और यहाँ ये पानी आ चुके हैं। अब हम ये बड़ा सही जगह पर आ गए। तो गाइस पानी पानी है यहाँ पे, बहुत पानी है, मगर गर्मी उससे ज़्यादा है, पानी के साथ साथ गर्मी बहुत है। टिकट दिखाओ इनको। तो गाइस ये बेहतरीन टापू है। मैं ये देख के ऐसे फील आ रही है जैसे हम पेट्रोल पंप वाले हों, पेट्रोल पंप वालों की फील आ रही है। भयंकर गर्मी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है गाइस, बहुत तेज गर्मी है, यहाँ का हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा। वो सामने झंडे हैं, वो झंडे ऐसे ही रखे हैं। तो गाइस फाइनली हमारी बोट जो है इंजन स्टार्ट हो चुका है और इंजन भी हमारा यामाहा का है और ये भैया हमें जो है राइडिंग पे ले जाने वाले हैं। हैं पठान कैसा फील हो रहा है भाई? सोमू गाइस मस्त एकदम, अब हम चलने वाले हैं और स्टार्ट हो गई है बोट हमारी। देखते क्या रहता है आगे, हवा बिल्कुल नहीं चल रही यहाँ पे, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। अबे बैलेंस बना लो, कहाँ इधर उधर घूमते फिर रहे हो? बन गया ना भैया, फोन रखना बोर्ड के अंदर, ठीक है? अगर बाद गड़ा फोन गिर गया और जिम्मेदारी भारी नहीं होगी, ठीक है? और जैसे बैठे वैसे बैठे रहना, ठीक है भैया? तो भैया ने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं राइडिंग के, आधा घंटा चले गया है पूरे, 15 मिनट आने के होते हैं, 15 जाने वाला। अब चल रहे हैं गाइस और फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे हवा का थोड़ा सा रुझान आया है। तो गाइस अब धीरे धीरे देखते हैं क्या रहता है। और ये प्रिंस आगे बैठ गया और ये हमारा किनारा और किनारे से अब हम निकल चुके हैं गाइस। ये चल रही है हमारी बोट। जिस सेतु पे अभी हम पीछे वहाँ खड़े थे और इसके दूसरे वाले छोर से हम आए, तो सेतु ये सामने दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा हो गाइस। तो ये है वो सेतु, ये वाला, और अब हम इससे बहुत दूर हैं अभी से, ऐसे तो ये दिख रहा है हमें। नाव पलटी भी है ना भैया, गिरी भी है ना? मस्त ये हमारी नाव आगे जा रही है, पानी चल नहीं रहा गाइस। अभी हमने भैया से पूछा है, इसकी जो गहराई है वो 550 फीट है, नीचे 550 फीट गहराई है, मतलब ये जो सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जब पानी आता है तो ये पूरे डूब जाते हैं। और ये देखो सवाज फैलने की बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ी है हमारी नाव की, बहुत तेज हमारी बोट चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। प्रिंस मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, हवा नहीं लग रही ठंडी ठंडी बिल्कुल भी, हवा नहीं लग रही है। और ये देखो इसको, ओए तुझे ही मजा आ रहा क्या यार? मेरा तो मन कर रहा है इसमें से कूद के ना जंप करके तैरूं, स्विमिंग करने के लिए मन कर रहा है। यहाँ मेरी वैसे फटी पड़ी है गाइस, इसको तैरने की पड़ी है और यहाँ खुद की फटी पड़ी है 550 फीट सुन के। जब हम गंगा में राफ्टिंग करते हैं तब तो हमें कोई दिक्कत इतना डर लगता है, मगर यहाँ पे देखो एक छोटी सी नाव खड़ी है यहाँ पे और ये भैया देखो स्पीड बढ़ा रहे हैं मस्त। हम उधर से आए हैं बहुत दूर से, वो पीछे रह गया, अब दिख भी नहीं रहा जहाँ से हम आए हैं, पानी पानी के बीच में है अब तो, सूरज का भी पता नहीं आज तो, सूरज है किधर यही पता नहीं चल रहा, सूरज है किधर। तो गाइस अब बैठ गए हैं और देखते हैं क्या रहता है। धीरे धीरे आवाज़ शायद इस ब्लॉग में ठीक ना है क्योंकि यहाँ हवा भी बहुत तेज थी और पीछे बोट की आवाज़ बहुत है उसके इंजन की। तो वैसे आगे एक वो बात हो रहा है, यहाँ पे एक बार आर्मी का एक पता नहीं हेलीकॉप्टर गिरा था या एरोप्लेन गिरा था, बहरहाल आर्मी का कुछ यहाँ पे ये उड़न खटोला गिरा था, तो जो आज तक नहीं मिला है, बहुत रिसर्च और ढूंढने के बाद भी नहीं मिला है, वो इतना गहरा ये है कि डूब चुका है इसमें, नहीं मिल पाया। तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो बहुत गहरा है ये। और ये सामने देखो ये सेतु ये दिख रहा है प्रिंस। हाँ तो कितनी बार आ गया यहाँ पे? 4-5 बार आ गया भाई मैं। हाँ तो ये जम्मू कश्मीर में है तो ये 4-5 बार आ गया।
टर्न हो गई है, भैया ने पूरे तरीके से मूव कर दिया और ये सेतु पीछे रह गया और ये हमारी बोट टर्न हो गई है। अब हम जा रहे हैं पीछे और यहाँ से बीच में निकलते हुए जाएंगे, है ना, मौसम के फुल मजे। तो गाइस इस नदी का नाम हमें पता चला है, इस नदी का नाम जो है जिसमें हम घूम रहे हैं, यह रावी नदी है जो पाकिस्तान से जुड़ रही है और चंबा की तरफ को निकल के जा रही है, मतलब पाकिस्तान। अच्छा, चंबा से आ रहे पाकिस्तान जा रही है, तो ये चंबा से जा रही है और पाकिस्तान जा रही है, मतलब कहने का ये इंडिया पाकिस्तान के पानी में। और वही मिलिट्री बड़ी होगी और थपड़े पिछवाड़े पे डंडा डंडा फेर देगी, इंटरनेशनल पानी में टहल रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर में हम रावी नदी में, फिर हम अपने टापू पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी नाव पार्किंग में लग जाएगी, हैं, यहाँ पार्क हो जाएगी और यहाँ आते फिर गर्मी लगने लगी। फाइनली गाइस, तो अब हम कर चुके हैं बोट राइडिंग और पूरे तरीके से इस नदी में हम घूम के आ चुके हैं। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा है और बहुत ही यहाँ गर्मी भी थी और ये पीछे सबास करके झूलता हुआ रहा है अपनी जैकेट को हिलाता हुआ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाय।